हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जब मैं इवान को लेके जाती हूँ वेकेशन पे या हम लोग उसके साथ ट्रैवल करते हैं। तो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि तुम लोग क्या खिलाते हो उसको, कैसे मैनेज करते हो अगर उसे लेके जाते हो, और खाने की क्या क्या ऑप्शन, क्या कैसे मैनेज कर लेते हो उसका खाना, ये सब। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अलग से वीडियो की जाए। तो आज मैं वो सारा आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो सारी टिप्स और क्या क्या आप उसे ऑफर कर सकते हो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो अपनी वेकेशन बेबी के साथ, या फिर सोच रहे हो कि क्या हम लोग उसे खिलाएंगे वेकेशन में और कैसे प्लान करें छुट्टी, बेबी को क्या खिला सकते हैं हम लोग। तो वो सारे फूड ऑप्शंस आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका वेकेशन काफ़ी इजी हो जाएगा, आप लोग फुल एंजॉय करोगे अगर बच्चे का टमी फुल है। अगर बच्चा भूखा है या उसकी नींद पूरी नहीं हो तो उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है। और आपको भी पता ही होगा कि अगर बच्चा भूखा है और अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो तो फिर क्या, फिर तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं इवान के साथ। इवान जब 7 मंथ्स का था तो हम लोग उसको लेके गए थे गोवा। काफ़ी लोग उससे पहले भी प्रेफर कर लेते हैं, और मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है कि 6 मंथ्स तक हम इजीली बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बेबी क्या होता है उस टाइम पर सिर्फ फीट पर होता है और वो पूरा टाइम सोते रहते हैं। तो आप लोग स्ट्रॉलर कैरी करके ले जा सकते हो इजीली जहाँ पे, और उसको बॉटल दे दी, फीड दे दी, अगर फॉर्मूला देते हो तो बॉटल दे सकते हो, फिर ब्रेस्ट फीड है तो और भी इजी हो गया उसको ले जाना। तो 6 मंथ्स तक तो बच्चा फीड पे ही रहता, तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि हम उसे क्या खिलाना पड़ेगा। बट हम जब इवान को लेके गए थे फर्स्ट टाइम उसको फ्लाइट से गोवा, अंडरप्रेशन हो गई थी क्योंकि 5.5 मंथ्स में ही हमने उसकी अंडरप्रेशन उसको पूरी इंट्रोड्यूस कर दिया था। उस टाइम पर थोड़ी सी उसकी भूख भी बढ़ गई थी। इवान जो अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड चाइल्ड है, तो उस केस में मैं जब भी वो क्रैंकी हो रहा तो फीट पे लगा दो, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे भी फीट पे लगा दो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट पर्टिकुलर वो अपने रूटीन को लेके, अगर उसका थोड़ा सा भी रूटीन डिस्टर्ब होता है तो समझ लो हमारी बैंड बज गई, तो उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो डे वन से ही काफ़ी पर्टिकुलर है, प्लस उसके साथ ये है कि वो सिर्फ अपने मम्मी डैडी वाला है, वो और किसी के पास नहीं जाते हैं, वो सिर्फ हमारे पास रहता है, किसी की लैप में भी इजीली नहीं जाता, किसी की गोदी नहीं जाता, जो लोग उसे जानते हैं उन्हें पता है। तो हमें ही हैंडल करना है उसे, और अगर उसकी भूख और नींद पूरी ना हो तो फिर तमाशा, फिर तो आपकी वेकेशन ही है कि आपकी वेकेशन नहीं है, एक पनिशमेंट ही है समझ लो। तो हर बच्चे के साथ होता है, कुछ बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी इजी टू हैंडल होते हैं और सबके पास चले जाते हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। मैं फर्स्ट टाइम एग वहीं खाया था क्योंकि यहाँ पे 5.5 मंथ्स में उसको हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था फूड, बट हम लोग ऐसे ही देते थे उसे, प्यूरी देते थे और कभी सूजी का हलवा दे दिया या फिर होममेड सेरेलक दे दिया, तो ये सब चीज़ें देते थे। बट जब हुआ गए तो उस टाइम पे एक तो हमारी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे बुफे सिस्टम था, और बेबी के लिए अगर हम बोले तो वो कस्टमाइज़ करके दे देते हैं। अगर आप लोग भी कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप लोग इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होटल वाले बना के दे देते हैं अगर आप लोग बेबी के लिए बोलो कस्टमाइज़ करके। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिख गए थे, क्योंकि बूफे में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं बेबी के लिए भी, क्योंकि बच्चों को फ्रूट्स काफ़ी पसंद होते हैं। तो हमने इवान को ब्रेकफास्ट में मोस्टली उसे फ्रूट्स ही खिलाए, उसको वाटरमेलन इतना अच्छा लगा था, वाटरमेलन जूस हो गया, और फ्रूट्स देते थे हम उसे ब्रेकफास्ट में, ऑमलेट दे देते थे कभी, स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। दलिया दे सकते हो अगर आपका बच्चा दलिया खाता है, तो पॉरिज दे सकते हो, पैनकेक्स दे सकते हो, फ्रूट्स, हमने वाटरमेलन जूस दिया था, एग दिया था, तो उसे काफ़ी अच्छे से खा लिया था। हम लोग खाते नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से उनका टमी फुल हो जाता है। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े ईयर के बाद और 8-9 मंथ से बच्चे अच्छे से खाने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद हम लोग को सोचना पड़ता है। तो उसमें आप लोग देख सकते हो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, इडली दे सकते हो, इडली काफ़ी सॉफ्ट होती है जो कि बच्चे इजीली खा लेते हैं, कस्टर्ड दे सकते हो आप लोग, कस्टर्ड भी मिल जाता है इजीली, खीर दे सकते हो आप लोग, हलवा दे सकते हो, पैनकेक्स दे सकते हो, चीलास दे सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बूफे में इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टिल आप लोग सोच रहे हैं कि क्या देंगे, अगर आप कभी भी एग खाते हो तो एग तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग एग दे सकते हो, एग की इतनी सारी वेराइटी है, बॉयल्ड एग दे सकते हो, स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हो, ऑमलेट बना के दे सकते हो। और एग नहीं देते हो बेबी को तो आप लोग चीला ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वैरायटी के चीले मिल जाएंगे आपको, जैसा आपको बनवाना आप लोग कस्टमाइज़ करवा के बनवा सकते हैं। अगर आपके बेबी को खिचड़ी बहुत पसंद है, इवान स्विट्ज़रलैंड इवान को लेके गए थे इंटरनेशनल ट्रैवल, इवान ने हम लोग उसे फर्स्ट टाइम लेके गए थे जब वो 1 ईयर का हो गया था, तो हम लोगों ने इवान को वहाँ पे खिचड़ी दी थी मोस्टली और पास्ता। वेकेशन में होते तो हम लोग इतना रिस्ट्रिक्शन, इतना बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि हमें सिर्फ ये ही देना है, क्योंकि जो चीज़ आपको घर में रोटी सब्जी मिल रही है वहाँ पे भी मिल जाएगी तवा रोटी अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि
कि आप होटल में बोल सकते हो, शेफ़ को बोल सकते हो कि हमें तवा रोटी चाहिए, वो लोग बना के दे देंगे। बट जब हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे तो इवान को मोस्टली हमने एग दिया था और वहाँ का डेयरी तो बहुत अच्छा है, तो इवान ने अच्छे से वहाँ का काओ मिल्क भी पीना स्टार्ट किया था वहीं से। अदरवाइज इवान ब्रेस्ट फीड वाला था एक्सक्लूसिव, तो उसे काओ मिल्क पीने में काफ़ी टेंट्रम्स वहीं पर हमें पता चला, और वहीं पर हमने इवान को बॉटल भी इंट्रोड्यूस की थी। वैसे तो बॉटल लेते ही नहीं, उसने वहाँ जब गए थे हम लोग उसे लेके, तो उसने अच्छे से वहाँ पर बॉटल से पिया क्योंकि वहाँ का दूध इतना अच्छा टेस्ट था वहाँ के दूध का, तो मैंने काफ़ी अच्छे से पिया। मैं दूध दे दिया, काओ मिल्क इजीली मिल जाता है, आप लोग मिल्क शेक्स ले सकते हो, फ्रूट शेक्स ले सकते हो, काजू शेक ले सकते हो, बादाम शेक ले सकते हो, मूसली दे सकते हो। हम लोगों ने इवान के लिए मूसली भी रखी थी, तो काफ़ी लंबी फ्लाइट थी तो मैंने इवान के लिए घर से ही रोस्ट करके रख दिए थे मखाने, तो एक बॉक्स रख मखाने का लेके गई थी मैं कि अगर जस्ट इन केस अगर उसे फ्लाइट में भूख लग गई तो उसे क्या दूंगी। तो आप लोग हेल्दी साइड में देखोगे तो आप लोग मखाना दे सकते हो जाके, जो कि काफ़ी हेल्दी है और एक अच्छा स्नैक ऑप्शन है। अगर आप लोग एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आप लोग फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं, काफ़ी इजीली बच्चे खा लेते हैं और फिंगर फूड तो वैसे भी पसंद करते हैं, तो आप लोग फ्रेंच फ्राइज दे सकते हो। तो मैंने तो मखाने रखे थे इवान के लिए, प्लस मैंने मूसली भी रखी थी। आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग फॉर्मूला मिल्क कैरी कर सकते हो, अगर आप लोगों को सोच रहे हो कि दूध कैसा होगा वहाँ पे। हमने भी कैरी किया था इवान के केस में जब हम लोग गए थे, इवान जबकि ब्रेस्ट फीड वाला है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड वाला था, बट जब एयरपोर्ट के लिए इवान के लिए फॉर्मूला रखा था और मूसली रखी थी, तो हॉट वाटर की एक बॉटल में गर्म पानी रख लिया, तो दाल डाल जल्दी से फॉर्मूला बनाया और उसमें डाल दी मूसली। तो इंस्टेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, दे सकते हो मूसली, दे सकते हो बॉइल्ड एग, रख सकते हो फ्रूट्स में बनाना, अगर आपके बेबी को बनाना पसंद है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बनाना काफ़ी फिलिंग भी होता है, हेल्दी भी है, पोटेशियम भी है, उसमें फैट भी है, बच्चे को काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी फिलिंग भी होता है, तो बच्चे का पेट अच्छे से भर भी जाता है। तो बनाना रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, मफिन्स ले सकते हो आप लोग, अगर बच्चे को मफिन पसंद है मफिन ले सकते हो। जंक की साइड है तो पेस्ट्री खिला सकते हो, क्योंकि कभी कभी वेकेशन में तो चलता है डेली आप कौन सा खिला रहे हो, बट उसके साथ आपको बैलेंस करके चलना है। आप लोग उसे फाइबर के लिए फ्रूट्स दे सकते हो, सो दैट बैलेंस बनेगा, तो इतना कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा बेबी को, क्योंकि चेंज होता है वाटर भी अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इवान को गोवा लेके गए थे, उस टाइम पे काफ़ी सारे हमने इवान के लिए एपिगामिया का फ्लेवर्ड योगर्ट भी रख दिया था, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद होता है। अभी उसे दही उतना पसंद नहीं है, बट उस टाइम पे जब वो वन ईयर, जब तक वो वन ईयर का नहीं था, 12 मंथ्स तक इवान को इतना अच्छा लगता था दही, बट अभी उसका टेस्ट बर्ड्स थोड़ा चेंज हो गया, अब वो दही उतना अच्छा नहीं मानता है, बट उस टाइम पे उसको दही काफ़ी अच्छा लगता था। तो हम लोगों ने उसके लिए कैरी किए थे एपिगामिया के फ्लेवर्ड योगर्ट, योगर्ट दे सकते हो, दही बच्चे काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो दही दे सकते हो। और होटल में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं नॉन स्पाइसी, तो वो आप ट्राई करा सकते हो, उपमा दे सकते हो, खिचड़ी मिल बन जाती है इजीली, पराठा आप लोग ट्राई करवा सकते हो, क्योंकि आलू का पराठा बनवा सकते हो, चीज़ पराठा बना सकते हो, एग पराठा बनवा सकते हो, पनीर पराठा बनवा सकते हो, दही के साथ दे सकते हो काफ़ी अच्छे से, तो इतना टेंशन वाली बात ही नहीं। अगर आप लोग बच्चे के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हो इजीली वेकेशन, बस ये कि बच्चों का सोने का ध्यान रखना है कि उनकी स्लीप प्रॉपर हो, अगर बच्चे की स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर उनका टमी फुल नहीं है, तो बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो उनका सोने का टाइम, सोए नींद पूरी होनी चाहिए बच्चों की, प्लस उनका खाने का, उनका टमी फुल होना चाहिए, तो बच्चे काफ़ी ईजी हो जाते हैं हैंडल करना। तो ये सारे ऑप्शंस में आप लोग जूस दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, एग दे सकते हो, पराठा दे सकते हो, चीला दे सकते हो, उपमा दे सकते हो, मफिन्स दे सकते हो, और पैनकेक्स दे सकते हो, तो इडली दे सकते हो, डोसा ट्राई करवा सकते हो, डोसा दे सकते हो, क्योंकि प्लेन डोसा आप लोग मंगवा सकते हो जिसमें स्पाइसेस ना हो मसाला डोसा की जगह बेबी के लिए। तो काफ़ी तो इतने सारे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट में। अब आते लंच की बात, और मिड मॉर्निंग में तो आप कोई भी उसे फ्रूट ऑफर कर सकते हो। अब आते लंच की बात, तो लंच में आप लोग खिचड़ी बनवा सकते हो, खिचड़ी बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है, दलिया बनवा सकते हो, दलिया भी खा लेते हैं बच्चे इजीली, इडली ले सकते हो बच्चों के लिए, या फिर दाल रोटी दे सकते हो, कोई सब्जी अगर उन्हें पसंद है तो वो आप कस्टमाइज करवा के बनवा सकते हो। इवनिंग में आप लोग उन्हें मखाना दे सकते हो, अगर मखाना पसंद करते, मखाना खाते हैं बच्चे, तो इजीली मखाना दे सकते हो, या फिर कोई कटलेट्स बनवा सकते हो वहाँ पे, और वैसे भी कटलेट्स में उनसे पूछ सकते हो आप लोग कि स्पाइसी तो नहीं है, फिर ओट्स दे सकते हो, मिल्क वाले ओट्स नहीं खाते, तो फिर आप लोग मूसली दे सकते हो, दूध दे सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे, आपको देख के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चीला दे सकते हो आप इवनिंग स्नैक में। फिर आती है डिनर की बात, तो डिनर में आप प्लेन उनसे तवा रोटी के लिए बोल सकते हो, होटल वालों से वो लोग आपको बना के दे देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय बाय, क्योंकि इवान उठ गया है, अब मेरे पास टाइम नहीं है गाइस, और मिलवाती हूँ इवान से। इवान अभी तक सो रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए से हाय टू योर सब्सक्राइबर्स, से हाय टू योर सब्सक्राइबर्स, बाय गाइस। तो गाइस इवान भी कह रहे हैं बाय गाइस।